गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिटेक मिरट। बेटा आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन, और डेफिनेट इंटीग्रेशन के आज जिन क्वेश्चंस की हम बात करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं। ठीक, अब आप कहोगे सर वो तो 12th में पढ़ लिए तो आप नई बात क्या बताओगे। बिल्कुल नई बात बताएंगे, आपको सुपर ट्रिक देंगे। ठीक है, आपके एनडीए और जेई के जो क्वेश्चन पेपर्स के सेटर्स होते हैं बेटा, वो आपकी फीलिंग से खेलते हैं, वो देखते हैं आपकी अप्रोच कितनी है। आपकी वही अप्रोच है 12th वाली या उससे ऊपर जा रही है कुछ अप्रोच? ठीक, वो आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे, आप कहोगे सर हम तो इसे कर देंगे, पर करने में आप लगाओगे उसे 10 मिनट्स नहीं लगानी बेटा, 10 सेकंड्स लगानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π cos 10x into cos 6x dx। हाँ जी, आपको इसका इंटीग्रल करना है। आप कहोगे सर कर देंगे, नो प्रॉब्लम। कैसे करोगे बताइए? आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, देन यहां पर फॉर्मूला जनरेट होगा 2 cos A into cos B का, 2 cos A into cos B इक्वल टू cos A + B प्लस cos A - B, देन इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आंसर आ जाएगा, पर कितनी देर लगेगी? बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए मैं डिस्कस करता हूं। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की बेटा, तो इट्स आंसर इज 0। देखते हैं, आंसर 0 बोल दिया मैंने। कैसे बोल दिया आप भी बता दोगे 5 मिनट बाद, देखिए जरा। सेकंड का आंसर की बात करें, ऑल्सो इक्वल्स टू 0। बेटा अगर हम थर्ड क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। और अगर हम फोर्थ क्वेश्चन के आंसर की बात करें, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π sin 9x into cos 4x, दिस इज 18/65। इट्स आंसर इज 18/65। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर हमारा आएगा बेटा, यहां हमारे फंक्शन 3 हो गए हैं। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में देखिए आपके 2-2 फंक्शन है, इसमें 3 हो गए, इसकी भी ट्रिक है। ठीक है, तो इट्स आंसर इज π/4। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अब 1 by 1 एक एक क्वेश्चन की। ठीक है बेटा, हमने बोला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों का आंसर क्या है? 0। ठीक है, तो इन तीनों की बात मैं बाद में करूंगा, पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं बेटा ट्रेडिशनल मेथड से, जो हमारा प्रोसीजर है। आपका इंटीग्रेशन 0 to π sin 9x into cos 4x dx। देखिए पहले हम इसे ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर चेक करते हैं कि जो सर ने आंसर लिखा है वही आता है या नहीं आता, फिर हम बात करेंगे अपनी ट्रिक की कि हमारी ट्रिक क्या है। चलिए बेटा स्टार्ट कीजिए। आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π 2 sin 9x into cos 4x dx। अप्लाई कीजिए फॉर्मूला 1/2 0 to π 2 sin A into cos B sin A + B 9x + 4x 13x plus sin A - B 9x - 4x 5x dx। नाउ इंटीग्रेट 1/2। हां जी, sin 13x का इंटीग्रल -cos 13x/13 -cos 5x/5 प्लस सी नहीं, इट्स डेफिनेट इंटीग्रल। हां जी, लिमिट यूज करेंगे आप 0 to π, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, इट बिकम -1/2। लिमिट पुट कीजिए। हां जी, माइनस साइन बेटा आपने कॉमन ले लिया तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, 13x/13 प्लस cos 5x/5। लिमिट पुट कीजिए, अपर माइनस लोअर, यू नो वेरी वेल, cos 13π/13 प्लस cos 5π/5, इट्स योर अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है बेटा, लोअर लिमिट इज 0 cos 0/13 प्लस cos 0/5। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, -1/2। अब प्रॉब्लम कहां आती है, सर cos 13π की क्या वैल्यू होगी? बिल्कुल बेटा, आपकी एक प्रॉपर्टी है, हम नोट कर देते हैं साइड में, लर्न कर लीजिए, sin n π इक्वल टू ऑलवेज 0 होता है। साइन में पाई का कोई भी मल्टीपल 0 होता है, लर्न रखिए। ठीक है, cos n π दिस इज इक्वल टू -1 to the power n होता है, वेयर किसी भी केस में n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, n किसको बिलोंग करता है, इंटीजर्स को। चलिए आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है cos 13 पाई की,
मींस एन के प्लेस पे 13 पुट करना है, माइनस 1 to the power 13, इट बिकम माइनस 1, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस 1/13, सेम दिस वन, माइनस 1/5, माइनस कॉस 0 इज 1, 1/13 प्लस 1/5, अगेन सॉल्व इट, माइनस 1/2 ये रहा बेटा आपका एज इट इज, ध्यान से देखिए, माइनस 1/13 माइनस 1/13 माइनस 2/13, माइनस 1/5 माइनस 1/5 माइनस 2/5, बेटा माइनस 2 इज कॉमन, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल आउट, इट्स बिकम 1/13 प्लस 1/5, टेकिंग एलसीएम, आप सब लोगों को पता है क्या आएगा एलसीएम हमारा 65, ठीक है, 13 से 5 टाइम्स और 5 से 13 टाइम्स, योर आंसर इज 18/65, क्या आंसर बताया था बेटा हमने आपको फोर्थ क्वेश्चन का, 18/65। अब हम डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉपर्टी, हमारी जो ट्रिक है वो क्या ट्रिक है उसे समझिए बेटा, देखिएगा आपको टाइप ऑफ इंट्रीगल को समझना है, ठीक है। फर्स्ट, अगर आपका इंट्रीगल 0 to π cos ax इंटू cos bx dx की फॉर्म में है, cos ax इंटू cos bx dx की फॉर्म में है, एंड इफ योर इंट्रीगल 0 to π sin ax इंटू sin bx dx की फॉर्म में है, मस्ट कंडीशन। आप सारे क्वेश्चंस को देखिए एक बार, सम में लिमिट क्या है बेटा हमारी 0 to π, ठीक है, यही है हमारा इस क्वेश्चन का लॉजिक। आपको एग्जाम में भी जो लिमिट मिलेगी वो 0 to π मिलेगी, ठीक है, 0 to π के अलावा कुछ भी होगी तो आपको कैलकुलेट करना होगा, देन आपकी ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। हां जी, 0 to π cos ax इंटू cos bx dx की फॉर्म में हो या 0 to π sin ax इंटू sin bx dx की फॉर्म में हो, ऑलवेज आपका आंसर इक्वल टू 0 होगा, दोनों ही केसेस में आंसर क्या होगा 0, अगर दोनों फंक्शन कॉस है तब भी और दोनों फंक्शन साइन है तब भी, बट लिमिट शुड बी 0 to π। तो इसलिए हमने बोला था फर्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर 0 और सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर 0, क्लियर। अब आ जाइए आगे, ये तो हो गया बेटा एक बात, अब जो हमारा सेकंड केस है उसकी बात कर लेते हैं। इफ योर इंट्रीगल 0 to π साइन ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स की फॉर्म में, भाई सीधी सी बात है, या तो दोनों साइन होंगे या दोनों कॉस होंगे या एक साइन एक कॉस होगा, इसके अलावा कोई और केस नहीं होगा। तो फर्स्ट टू केसेस में आपका आंसर 0 सीधा। अब अगर एक साइन और एक कॉस है तो आपको क्या करना है बेटा, आपने यह वैल्यू कैलकुलेट करनी है ए माइनस बी की, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है ए माइनस बी की, और यहां पे आपको उसके साइन को कंसर्न नहीं करना कि इट्स नेगेटिव और इट्स पॉजिटिव, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि दिस इज इवन और दिस इज ऑड, ये चीज देखनी है, इट्स इवन और इट्स ऑड। अगर बेटा ये इवन है उस कंडीशन में आपका इंट्रीगल विल बी इक्वल टू 0, वो भी 0 गया, और अगर ऑड है तो आपके इंट्रीगल की वैल्यू होती है 2a/a² - b². चलिए हाँ जी, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की और फोर्थ की, दोनों में एक साइन है एक कॉस है, जरा थर्ड पे आइए, साइन 3x इंटू कॉस 11x dx, ए इज 3 और बी इज 11, बेटा दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 8। हमने क्या बोला था, आपको साइन में नहीं जाना, इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव नो मैटर, हमें बस वैल्यू पकड़नी है वो आपकी डिविजिबल बाई 2 है या नहीं है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 8, means it's even, और even के केस में आपका सीधा इंट्रीगल की वैल्यू क्या होगी 0, बट अगर वो ऑड हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ए क्या है आपका 9 और बी क्या है जी आपका 4, ठीक है, 9 - 4 दिस इज 5, 9 - 4 दिस इज 5, ऑड ऑड है तो आप इंट्रीगल की वैल्यू कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे 2a/a² - b², चेक इट आपका वही आंसर आता है या नहीं आता। हां जी, What's your a? A is 9. 2 into a, 18. Upon a² - b² A is 9, 81 - 16, 18/65. It's your answer. Check it. Now, question number fifth. बेटा question number fifth. इस type के भी question हमने 12th standard में करे थे. ध्यान से देखो जरा इस question को.
कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स। मेन बात प्रॉपर्टी इसके लिए भी वही ध्यान रखनी है, लिमिट शुड बी जीरो टू पाई, लिमिट शुड बी जीरो टू पाई। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते थे, आप इसमें से एनी टू कोई से भी दो फंक्शन उठाते थे पहले और टू कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते थे। वो आपका जनरेट क्या करता था, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। देन आपकी जो थर्ड वन टर्म थी उससे अंदर मल्टीप्लाई लेके अगेन एक टर्म यहां पर आती है स्क्वायर की और एक में आपका फॉर्मूला अगेन जनरेट होता है टू कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, हमने इसका क्या बोला था, सीधा आंसर क्या आएगा जी इसका, पाई बाई फोर आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्यों आएगा आंसर, अब जरा इस प्रॉपर्टी को लॉजिक से समझ लीजिए सारी की सारी को। फर्स्ट में हमारा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी बनता है जी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। आप उसका इंटीग्रल करेंगे तो कौन सा फंक्शन लाएगा, साइन, और साइन जीरो की वैल्यू भी क्या होती है, जीरो, और साइन में पाई का कोई भी मल्टीपल क्या होता है, जीरो, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। सेम इसका भी आंसर जीरो। ठीक है, सेम वही प्रॉब्लम हमारी यहां पर आती है। ठीक है, अब यहां आ जाइए जरा फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर। जब हम फिफ्थ क्वेश्चन को इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर बेटा एक टर्म हमारी लास्ट में जाके, तीन टर्म तो जनरेट होंगी साइन की और एक जनरेट होगी कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट टर्म जो आएगी वो ऑलवेज 1/4 आएगी, ऑलवेज 1/4। चेक करके देख लीजिए, कुछ भी लिख लो जो आपका मन करे। ठीक है, हां जी, और जब हम उसका इंट्रीगल करेंगे जीरो टू पाई पे, आप इंट्रीगल करोगे 1/4 का, 1/4 इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट, तो इट्स इंट्रीगल बिकम एक्स बाय फोर। ठीक है, लिमिट जीरो टू पाई, ठीक है, अपर माइनस लोअर पाई बाय फोर माइनस जीरो, दिस इज इक्वल टू पाई बाय फोर, इट्स योर आंसर। ठीक है, आई होप आप सबको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वास्तव में अच्छी लगी है तो बेटा इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।